जी अस्सलाम वालेकुम नाज़िम जी, हम आज आए हैं रोड शो पर J4 के साथ। आज हम आवाम से पूछेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचने से छोटी हो जाती है, तो देखते हैं लोगों के क्या कमेंट्स हैं। आज हम ये बताएंगे वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचने से छोटी हो जाती है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचने से छोटी हो जाती है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचने से छोटी हो जाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींचने से छोटी होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो खींचने से छोटी होती है, जबान खींचने से छोटी होती है। कौन सी ऐसी चीज है जो खींचने से छोटी होती है, क्योंकि इलास्टिक भी अगर खींचेंगे तो बड़ी होगी छोटी नहीं होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो खींचने से छोटी होती है, वो कौन सी ऐसी चीज है खींचने से छोटी होती है, कौन सी ऐसी चीज है जो खींचने से छोटी होती है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो खींचने से छोटी हो जाती है, चिंगम। ये तो कोई क्या चीज हो सकती है, बताना जरा क्या चीज हो सकती है, बताना जरा यार, ऐसी तो कोई चीज नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज छोटी हो सकती है। रबर हो सकती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इधर जल्ली में हो, इधर जल्ली में हो। गुब्बारा खींचने से तो जो है ना, अगर जिंदगी को बेमकसद खींचोगे तो वो कमी होएगी, छोटी होएगी। ये बहुत सूफियाना जवाब दिया है भाई ने हमारा, लेकिन इसका जवाब ये है नहीं। मुबशिर साहब ये बताए कौन सी ऐसी चीज़ें जो खींचने से छोटी होती है। दूसरा सवाल कर लें हार मानी। चले व्यूअर्स, हम लोगों ने बहुत से लोगों से पूछा, बहुत से लोगों की राय ली, कौन क्या कहता है, कोई कहता है लास्टिक है, कोई कहता है बबल गम है, और आसान सवाल ये था कि सिगरेट है। सिगरेट वो चीज़ है जो तंबाकू नोशी भी है, जो आपको नुकसान भी है, और वो पीने से छोटी भी होती है और साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी छोटा करती है। इसके साथ साथ हम आज का प्रोग्राम माइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए सेगमेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।